भी ठहराव सुनिश्चित किया जाए, ये आपके माध्यम से। श्री रमा शंकर राजभर, यहाँ से हाँ बोलने की अनुमति चाहता, सभापति महोदय अनुमति चाहता हूँ। सभापति महोदय, यूपी और बिहार के बॉर्डर का जिला है जनपद बलिया और देवरिया। वही बलिया जनपद देश में जो तीन जनपद सबसे पहले आज़ाद हुए उसमें एक बलिया जनपद भी। ये खुद बलिया जनपद ने मंगल पांडे जैसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिया। घाघरा, राप्ती, छोटी गंडक और गंगा का द्वाबा भी बलिया है। ठीक उसी तरह से इतिहास में कम ही ऐसा साक्ष्य मिलेगा सभापति महोदय कि रामचंद्र प्रजापति कक्षा 8 का छात्र आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत का झंडा जज के कोर्ट से उतारते हुए, जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट से उतारते हुए उसको सीने में सीधे गोली लगी थी। उसी देवरिया जनपद से काटकर कुशीनगर जनपद बना, बीआरजीएफ स्कीम में है। गोरखपुर कमिश्नरी है, वो भी बीआरजीएफ स्कीम में है। महाराजगंज बीआरजीएफ स्कीम में है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये जनपद देवरिया और बलिया, जहां शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है, सड़कों का स्तर बहुत ही खराब है, स्वास्थ्य संसाधनों का स्तर बहुत ही खराब है, और द्वाबे के नाते प्रतिवर्ष बाढ़ के समय में हजारों लोग नदी के कटान से खेती और घर बेघर होते हैं। जब गर्मी के महीने में झोंपड़ियों में आग लगती है सभापति महोदय, वहां पर हजारों लोगों के घर जलते हैं, बीपीएल सूची में नाम नहीं, इसलिए उनका आवास नहीं बन सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, केवल इतनी ही बात नहीं है, देवरिया जनपद में 27 नक्सलाइट गांव हैं, एक दो नहीं 27 नक्सलाइट गांव हैं। ठीक उसी तरह से जनपद बलिया में 52 नक्सलाइट गांव हैं। सभापति महोदय, मैं केवल इतना आपके माध्यम से इस सरकार से चाहता हूं कि आपने बीआरजीएफ स्कीम में जितने भी जनपद को लाया है, अगर देवरिया जनपद और बलिया जनपद उन मानकों को न पूरा करता तो नहीं मैं मांग करता, लेकिन सभापति महोदय आप तो गणित के विद्वान हैं, कहा जाए आपको तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप ही गणित लगाइए कि इस सरकार को इन दोनों जनपद को बीआरजीएफ स्कीम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। ठीक, श्री राम किशन।